नमस्कार, डीवी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में हुक्का बार बंद करने का कानून लागू कर दिया है। अब कोई भी हुक्का पिलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नए कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसका विधेयक 12 जुलाई 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था। अब इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे अब यह कानून प्रदेश में प्रभावशील हो गया है। यहाँ बता दें कि इस कानून के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिरोध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 है। इस संशोधित कानून में कहा गया है कि हुक्का में तंबाकू एवं अन्य पदार्थों को भरा जाता है, जिससे कई हानिकारक पदार्थ पैदा होते हैं, जिनका सेवन लोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में हुक्का बार आपराधिक गतिविधियों का केंद्र भी पाया गया है, इसीलिए हुक्का बार में प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। नए कानून के तहत अब मध्य प्रदेश में हुक्का बार चलाने पर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगा। इसके साथ ही 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकेगा, जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। जमानत पर आकर अपराध करने वाली जमानत रद्द करवाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय भोपाल की SCRB शाखा से जारी आदेश का पालन करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जबलपुर के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता SCRB शाखा के ADGP चंचल शेखर ने की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जमानत पर छूटने के बाद अपराध करने वालों की जमानत रद्द कराई जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लाउडस्पीकर के संबंध में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका सख्ती से पालन कराया जाए।